गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, सुबह का टाइम है, 9:30 बज रहे हैं और मैं बना रही हूँ यहाँ पे बच्चों के लिए, सबके लिए सैंडविच। वो अमेरिका का भी मन हो रहा था तो इसलिए मैंने बना दिए थे। तो स्कूल से भी मैं आ गया था सुबह जल्दी ही, मतलब जल्दी चला जाता है तो उस टाइम में तो इतना हो नहीं पाता है। और बस आज भी मतलब हाफ डे था तो जल्दी आ गया था, तो नाश्ते के टाइम तक आ जाता है, जैसे 7:15 आता है और 9 तक आ जाता है। तो मैं आ गया था स्कूल से, मैंने उसके लिए सबके लिए तैयार कर दिए हैं यहाँ पे सैंडविच। तो कल के कुछ ब्रेड बची हुई थी और रात मैंने उबले हुए आलू की सब्जी बनाई थी, तो आलू भी बचे हुए थे यहाँ पे। तो बस मैंने सुबह ही उनकी स्टफिंग बना कर तैयार कर दी थी और जो ब्रेड थी उनके यहाँ पे बच्चों को और बड़ों को सबको बना कर दे दिए हैं मैंने सैंडविच। तो देखिए, जो हमारी मतलब पूरी पूरी ब्रेड थी उनके यहाँ पे मैंने बना दिए हैं, और ये जो एक ब्रेड थी यहाँ पे, एक ही ब्रेड रह गई थी इसकी, मैंने यहाँ पे आधी आधी करके उसमें फिर स्टफिंग भर के उसके भी मैंने यहाँ पे बना दिया है। ये देखिए तैयार हो गया है और बस अब मम्मी और मैं रह गए हैं, तो उनके लिए बनाऊंगी मैं, उनके और अपने दोनों के लिए बनाऊंगी मैं आलू के पराठे। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो रही मस्ती मजा, और अब चलते हैं अपने काम की तरफ। तो देखिए, मैंने यहाँ पे सैंडविच बना करके अम्मे को और पापा जी को दे दिए हैं। तो कम ब्रेड बची हुई थी क्योंकि कल की ब्रेड रखी थी फ्रिज में, तो और आलू भी कल के ही उबले हुए थे, रात मैंने आलू टमाटर की सब्जी बनाई थी उबले हुए आलू टमाटर की, तो आलू बचे हुए थे, मैंने उनके ये जो है स्टफिंग तैयार कर दी थी। तो अम्मे और पापा जी को मैंने ब्रेड में भर के दे दिए सैंडविच बना करके, और अब मैं बनाऊँगी आलू के पराठे। तो मम्मी और मैं रह रही हैं और अब मैं मम्मी के और अपने बनाऊँगी आलू के पराठे। तो देखिए, इधर मैंने चाय भी बना ली है, चाय बन गई है, और बस अब मैं आलू के पराठे बनाना शुरू करती हूँ। तो आलू के पराठे आज कुछ मज़ेदार होने वाले हैं कुछ मतलब अलग ही होने वाले हैं, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट भी ज़रूर करके बताइएगा कि कैसी लगी है। तो बस शुरू करते हैं अपना आलू के पराठे। क्या हुआ? गंदे काम करके आए हो? क्या किया? आपके टीथ निकालने पड़ेंगे प्लास से, ऐसे ऐसे करके। डेंटिस्ट के यहाँ ले जाएंगे, बोल दूंगी उसके सारे टीथ निकाल दो, ये काटने लगा है। तो जी, बच्चों ने तो कर लिया है नाश्ता और पापा जी ने भी कर लिया है, और बच्चे अभी खेल रहे हैं, तो अभी नहाना वगैरह रह रहा है उनका। अब मैं तो सुबह ही नहा लिया था क्योंकि स्कूल गया था, और आदि का रह रहा है तो आदि तो आराम से नहा लेता है, मैं मतलब नहला दूंगी उसको नाश्ता वगैरह करके। तो देखिए, यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ आलू के पराठे। तो मैंने देखिए 2 बना ली है, और एक रोटी पे तो मैंने पहले अच्छे से जो स्टफिंग थी हमारी उसको फैला लिया है, और फिर दूसरी रोटी उसके ऊपर रख के उसको बेल लिया है। तो बस इसी वजह से बना रही हूँ मैं कि हमारी जो स्टफिंग थी वो काफ़ी बची हुई थी, और फिर अगर कल के लिए रखती तो फिर वो थोड़ा मतलब बासी सी हो जाती, इसलिए मैंने आज ही सोचा कि इसको ख़त्म कर दूँ। तो बस यहाँ पे मैंने बना लिए हैं पराठे, और पराठा हमारा 2 ही एक हो गया है, मतलब बल्कि उससे भी ज़्यादा। तो बस यहाँ पे मैं एक एक ही बनाऊँगी क्योंकि सुबह का टाइम है, इतना ज़्यादा हैवी नाश्ता भी नहीं हो पाता, और ये तो एक ही बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। तो बस देखिए, एक तो मैंने बना लिया है और दूसरा भी यहाँ पे मैं बनाने लग रही हूँ उसी तरीके से। तो बस मम्मी और मैं रह रहे हैं, दोनों कर लेंगे हम भी नाश्ता। तो देखिए, बना लिया है मैंने उसी तरीके से, और बस अब इसको थोड़ा सा बना के बेल के और अब मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और आदि पूछ रहा है, मम्मा आप पराठे क्यों बना रही हो? तो वो सोच रहा है कि सैंडविच तो बना लिए थे, फिर मम्मा पराठे क्यों बना रही है? तो बस उसकी बातों की तो मेरे पास कुछ बातों को तो मतलब जवाब भी नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने उसको बोल दिया था कि बेटा ब्रेड और नहीं थी, इसलिए मैं यहाँ पे पराठे बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, आलू का पराठा बनकर तैयार है। तो पराठा ऐसा बनाया कि एक में पेट भर जाएगा, दूसरा नहीं मांगोगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कहने को तो ये एक पराठा है, लेकिन ये है 2 से भी ज़्यादा हैवी, बल्कि 3 के बराबर है, क्योंकि इसमें 2
पराठों की तो इसमें मैंने लोई ले ली थी और एक मतलब बड़े पराठे से भी ज़्यादा मैंने इसमें वो ले लिया था, स्टफिंग ले ली थी, तो इसलिए ये देखने में एक है लेकिन है तीन के बराबर। तो एक में पेट भर जाएगा, दूसरा नहीं मांगेगा कोई भी, तो बस इसलिए मैंने यहाँ पे दो ही पराठे बनाए हैं, एक मम्मी का और मेरा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, फिर पानी पानी भी पिया जाता है इनके बाद में। तो बस अब मम्मी करने लग रही है नाश्ता और मैं दे देती हूँ उनको चाय और अपनी भी चाय ले लेती हूँ और करते हैं नाश्ता। तो बस आइए आप भी खा लीजिए आलू के पराठे। ईयर बताओ ना कहाँ है। मेरे ईयर बताओ। मेरा हेयर कहाँ? हेयर और मेरा नौ जी मेटी मेरी चिन और मेरी नेक और मेरे ईयर का ये मेरी है, ये मेरी है, तेरी तो ये। और नाश्ता करने के बाद मैं लग गई हूँ बर्तन साफ करने में, तो बर्तन मांझ के तो मैं चली गई थी, मतलब कुछ काम आ गया था बाहर तो इसी वजह से चली गई थी, और फिर से आकर के अब बस ये धोने रह गए थे, इनको मैंने धो दिया है और बस अभी जो बाकी काम रह रहे हैं वो भी कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, सुबह के 10:30 बज गए हैं ये देखिए, और नाश्ता हमारा हो गया है, पराठे खा लिए हैं हमने और अब पानी पिया जाएगा बहुत सारा। तो गर्मी में ऐसा ही होता है, पराठे खाने के बाद बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और पानी भी बहुत सारा पिया जाता है। तो देखिए बर्तन भी मैंने साफ़ कर दिए हैं और अब बस ये सफाई रह गई है थोड़ी सी, ये भी कर दूँगी। ये सुबह का आटा बच गया था, इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ, नहीं तो यहाँ पे ये बेकार से हो जाएगा। एक दो रोटी का है तो जब दोपहर में बनाऊँगी तभी बना दूँगी मैं इसको भी। और अब बस किचन की सफाई करके सबसे पहले मैं नहला देती हूँ आदि को, क्योंकि आदि भी ऐसे ही घूम रहा है। अब मैं तो सुबह ही नहा लिया था, स्कूल गया था तो सवेरे ही नहा लिया था और जल्दी आ गया था आज भी, क्योंकि आज उसके स्कूल में हाई स्कूल वाले बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं शायद, तो इसी वजह से उसकी 9 बजे छुट्टी हो गई थी। तो सुबह का नाश्ता तो करके चला गया था और फिर से आके उसने सैंडविच खा लिए हैं, तो टमी फुल हो रही है दोनों बच्चों की। और ये देखिए आदि हमारा क्या करने लगा है। ये क्या कर रहे हो बेटू, ऐसे काम करते हो आप, छोटे बच्चे हो आप, अभी वाटर कलर करोगे बोर्ड पे, अब ड्राइंग पे करते हैं, पहले नहा लो, सुंदर सुंदर बन जाओ, भैया के हैं ये। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे मैडम इसकी कॉपी पे स्टार देती है जब ये अच्छा अच्छा काम करता है, ऐसे बनाती है मैम, ऐसे तो नहीं बनाती हैं। अच्छा ये फूल एप्पल बना के दिखाओ, इरेजर नहीं होगी इसमें, डस्टर यूज होता है। कहाँ कहाँ घुसते रहते हो आदू, अरे 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 गिर जाओगे, लड्डू गिर जाओगे। अब मैंने इसको सब सिखा दिया है, अपने आप भी घुसता रहता है अलमारी में और इसको भी सब रास्ते पता चल गए हैं इसको कैसे करना है क्या करना है। ये देखो इसने साफ कर दिया है, तो गलत बन गया था क्या आपका? अच्छा जी बनाओ, आप स्टार छोड़ो, आप A4 एप्पल बना के दिखा दो, A4 एप्पल पूरा बनाओ, कंप्लीट करो। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। हाँ मेरा नाम लिख के दिखाओ, और ये लिख रहा है आदि मेरा नाम, क्या है मेरा नाम? ये है आपका नाम। ओहो। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, इसकी तो पिट्टी कर दो। और ये हमारे पंडित जी नागर के आ गए हैं। हाय बोलो, बोलिए खुल गया, डोरेमोन बन गए हैं, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, कहाँ पे लिखा है डोरेमोन, कहाँ पे लिखा है डोरेमोन, ये लिखा है डोरेमोन। आबादी को आबादी के बालों में ऑयल लगाएंगे और कॉम करेंगे। और यहाँ पे देखिए अब मैं कर रहा है पढ़ाई,
और पापा जी ले रहे हैं उसकी क्लास। तो हिंदी का एग्जाम है कल, तो जितना भी मैडम ने सिलेबस कराया है सारा ही पापा जी सुन रहे हैं उससे। और जब तक उसका काम होता है, मतलब जब तक उसका सारा सुन लेते हैं पापा जी। यहाँ पे मैं बनाने लग रही हूँ दोपहर के लिए खाना। तो खाने में बना रही हूँ मैं आज साबुत उड़द की दाल, साबुत मसूर की दाल। तो बस मैंने पहले तो उसको उबाल लिया था और बस अब मैं लगा रही हूँ उसमें तड़का। तो उसी सिंपल तरीके से बनाई है मैंने। और बस अब दाल बना करके फिर चावल बना दूंगी और आटा बना करके तैयार कर दूंगी, तो जब बच्चे मांगेंगे उनको दे दूँगी। तो दाल को तो मैंने गैस पे रख दिया है, धीरे धीरे पकने लग रही है। और दूसरी तरफ मैं तैयार करने लग रही हूँ आटा। और बस जब भी खाने का टाइम होगा, जब भी बच्चे मांगेंगे क्या, मैं तो 1-1.5 बजे मतलब उसी 1 से 1.5 के बीच में इनको खाना बना करके दे देती हूँ। तो बस ये है कि अपना 2-2.5 बजे तक हमारा दोपहर का काम हो जाता है और बच्चे भी रेस्ट कर लेते हैं दोपहर में और थोड़ी देर हम भी रेस्ट कर लेते हैं। तो बस अभी तैयारी करने लग रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, खाना खाने के बाद मैंने आके देखा तो आदि मुझे सोता हुआ मिला। और ये देखिए क्या सामान फैला के बैठा है। ये सोच रहा है अब मामा मेरे साथ लूडो खेलेगी। ये सोच रहे हो ना, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। मैं लूडो नहीं खेल रही हूँ, मैं अपना लेट हूँ थोड़ी देर। तो बस मैं अपना थोड़ी देर लेट जाती हूँ, फिर अब मैं ट्यूशन का टाइम हो जाएगा 4 बजे। तो 2:15 बज गए हैं, बस मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद में। कल को मैम को बना के दिखा देना उल्लू। बोल देना मैम मुझे उल्लू बनाना आ गया। मैं घर पे अपने सबका बनाता हूँ, अपनी मम्मा का भी, अपने भैया का भी। ठीक है फाड़ देना बस, मैं इसको चिपका दूंगी टेप से। तो फ्रेंड्स, अब मैं भी ट्यूशन से आ गया था और आदि भी आ गया है। अब मैं 6 बजे आ जाता है और आदि आता है 6:30 बजे। तो ऐसे ही वो पहले जाता है, ये वो 4:30 बजे चले जाता है हमें, और ये जाता है 5 बजे। साढ़े पाँच जाता हूँ मैं स्कूल। साढ़े पाँच जाना है। मैं पूछ लूंगी मैम से किस टाइम जाना है। हाँ जी, ये बटन बंद करो अपना। बस आज की वीडियो का एंड हम यहीं पे करेंगे। तो बस कल मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग में। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना दी? कर लीजिए। तो बस कल मिलेंगे आपको एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।